क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। पूजा अच्छे से हो गई। हर साल की तरह आपने गरीबों के लिए दान दक्षिणा का आयोजन किया। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे और आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे। पंडित जी, सब आप ही का आशीर्वाद। अरे विजय जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अरे पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से पूजा सम्पन्न करवाई आपने। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। उदय स्वाती, पंडित जी के पैर छू। अरे अपने पिताजी समान नाम कमाओ, तरक्की करो। अरे मुझे और भी पूजा करने जाना है। अरे बहुरिया, तू काहे उदास है? चिंता नहीं कर, बहुत जल्दी तेरी गोद में भी नन्ना मुन्ना खेलेगा। धन्यवाद पंडित जी। अनुज, पंडित जी आप हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार कीजिए। अरे नहीं बेटी, रखिए ना पंडित जी। अरे ले लीजिए पंडित जी, भगवान का दिया सब कुछ है। बस आप तो भोलेनाथ से हमारे छोटे भाई के लिए आशीर्वाद मांगिए, इनकी झोली में खुशियां खुशियां भर जाए। ला भावरिया, सदा सुहागन है। जल्दी करना, हमें लोड नहीं हो रही है। पीछे चल। आप भी ना इतना लेट आए हैं, ये भी कोई टाइम है आने का? और ये इसे भी ले लीजिए। रतन, आप ना भाभी के पास से कपड़े लो, मैं आपको बाद में देती हूँ। से तो कोई भी नहीं है, तो ये अनुज की टी शर्ट में से किसके परफ्यूम की खुशबू आ रही है? कितनी बार कहा तुमसे,
हमारी चीजों से दूर रहा करो। अनुजी मोनिका कौन है, क्या चल रहा है आपका इसके साथ? हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद करो। अनुज, अनुज हम तुम्हारी पत्नी है और हमारा ये पूरा अधिकार है कि हम ये जाने कि आप कब किससे कहां मिल रहे हैं। आप हमें धोखा दे रहे हैं ना, बोलिए अनुज। सच सुनना है ना, एक मिनट। सच ये है कि तुम जैसी मनुष्य लड़की के साथ शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। एक बच्चा तो दे नहीं सकती हो, हम सबकी जिंदगी नरक बना रखी है तुमने। प्लीज ऐसा मत बोलिए अनु, मैं कितने टेस्ट आई हुई है, कितना दर्द सह रही हूँ, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो उसमें मेरी क्या गलती? अनुज तुम शालिनी की दी हुई दवाई भी मैं खा रही हूँ, और तुम्हें याद है पंडित जी ने कहा था कि हमारे घर बच्चा जरूर आएगा। कभी बंजर जमीन पे फूल खिलते हुए देखे तुम? अनुज ऐसा मत बोलिए, मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुम मर जाओ ना, वैसे भी तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ मैं, और बच्चा पैदा कर भी लो तभी खुश नहीं हूँ। वो क्या है ना निहा, तुम्हारा चेहरा देखकर नफरत होती है, नफरत। अनुज, अनुज, क्या हुआ? भैया दो बार गोली चली मुझ पे। तू ठीक तो है? मैं ठीक नहीं हूँ भैया, मैंने उसकी शक्ल देख ली है, वो वही इंसान इसके हाथ पे टैटू है जिसको पुलिस ढूंढ रही है, जिसने मेरे पे हमला किया था। मुझे मार देगा भैया, ये मुझे बचा लो। मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ, तू घबरा मत, मैं अभी पुलिस से बात करती हूँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। अरे मेरे भाई पे हमले हो रहे हैं, अब तो मेरे भाई को सिक्योरिटी दे दीजिए आप। विजय जी अगर इसी तरह से सारे उद्योगपतियों को सिक्योरिटी देने लग गए तो ये थाना कैसे चलेगा? अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे भाई पर लगातार हमले हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए। हेलो, हेलो माँ, माँ प्लीज कुछ भी करके अनुज को बचा लीजिए। देखो नेहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन मैं फिर से तुझे कह रही हूँ कि वक्त रहते ही दो बच्चे गोद ले ले। माँ हमने पहले भी कोशिश करके देखी, ये लोग नहीं मानेंगे। ठीक है सुन, मैं ना तुझे दो अंगूठियाँ भेजती हूँ, एक दो पहन और एक दामाद बाबू, और उसके बाद फिर एक बार और कोशिश कर, और इसके बाद भी अगर नहीं माने तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती। कहाँ थे अब तक और इतना टाइम क्यों लगा दिया? सबसे चुप क्या है? हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारे भाई के 250 करोड़ में से
125 करोड़ हमारे, और फिर यहाँ से बहुत दूर जाकर एब्रॉड में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मैं सोनू के भी सारे उधार लौटा दूंगी। अनुज, I'm so happy and excited. Thank you. Thank you. मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कब से आपका वेट कर रही थी। अनुज, आपका खाना लगा दो। अनुज, अनुज क्या हुआ है, चोट कैसे लगी आपको? अनुज बताइए, मैं कुछ पूछ रही, आप मुझे कुछ बताते ही नहीं है कभी। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। ये मुझसे कितना प्यार करती है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो मोनिका के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। ये मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर देने, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज अगर तुम ना होती और तुम्हारी ये अंगूठी ना होती तो हम तुम्हारे सामने जिंदा खड़े नहीं होते। नहीं नहीं, हम तुम्हारी माफी के काबिल ही नहीं। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं, आज से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत ज्यादा। हमें माफ कर। अनुज, ऐसा मत बोलिए, जब तक हम आपके साथ हैं आपको कुछ नहीं हो सकता। हमें सर, जिस बंदे की लाश मिली है उसका नाम संतोष यादव है, वो एक शार्प शूटर था। ये उसकी कॉल डिटेल्स है सर। ये एक नंबर पर उसकी लगातार कई बार बात हुई है। किसका नंबर है ये? रवि, ये क्रिकेट का बहुत बड़ा सटोरिया है। एक और बात है सर, अनुज पिछले एक साल में 2 करोड़ रुपए का चट्टा हारा है सर, और उसने रवि को 1 रुपया भी नहीं लौटाया। इसका मतलब ये हुआ कि रवि ने इस शूटर को हायर किया था अनुज को मारने के लिए। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये सट्टेबाजी से ही जुड़ा हुआ है। हो सकता है। दामाद जी को देखो, इतनी बारिश का मौसम है, कीचड़ हो रहा है सब जगह, फिर भी खेल रहे हैं। सर एक एड्रेस बताएंगे आप? चले गए, शिफ्ट कर गए गुड़गावा में। फिर हमने सुना कि दिन दिहाड़े इनका वहाँ पे मर्डर हो गया छोटे वाले का। जब वो हमारे साथ फिर बात आई, हम तो सुनते ही सुन हो गए। ऐसा भी कोई कर सकता है? सर ये विजय के पड़ोसी की सीसीटीवी फुटेज है सर, इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है, ये देखिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।